बहुत वैसी विचित्र बातें फागुदास ने अपनी डायरी के तौर पर कही है। वाकई में लगता नहीं कि एक आम, और उसमें कहीं उसकी पढ़ाई भी उसने बाद में की, और बहुत सारे छल प्रपंच उसके साथ हुए, और बहुत सारी यात्रा के दौरान उसके अंदर भी जो अभी सर ने कहा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, तो कई बार लगता है कि यार क्या क्या नहीं था, क्या क्या था, ये तो है क्या क्या नहीं था। तो मैं निवेदन करूँगा कि खुराना जी से कि उनको इस किताब को पढ़ते हुए कैसा लगा और क्या क्या खास चीज़ें वो हम सबको बताना चाहेंगे। आदरणीय श्री खुराना जी, देखिए जब ये किताब मुझे दी गई पढ़ने के लिए तो उस वक्त मुझे लगा कि क्या होगा, एक जेब कतरे की डायरी है, उसमें क्या मिला होगा, ऐसा ऐसी कौन सी बात हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो सुधर गया होगा, सुधर के उसने कुछ अच्छे काम कर दिए होंगे दो चार, बस इस वजह से इसकी कोई खास ऐसा लगा नहीं कि बड़ी खास किताब होगी। लेकिन जब किताब को पढ़ा तो एकदम दंग रह गया कि एक आदमी अंदर से इतना महान भी हो सकता है, जो जेब कतरा कहलाने वाला आदमी, उसका एक ऐसा सन्यासी जैसा दिल, ऐसा दलेर आदमी, और ऐसा निडर, और ऐसा बिल्कुल किसी चीज़ से घबराने वाला नहीं, कभी किसी चीज़ से थकता नहीं है, कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार है, और अगर उसे मतलब इतना मन मौजी है कि अगर उसे मन आया कि मुझे वहाँ जाना है, कैलाश मानसरोवर जाना है, तो ऐसे ही चल देगा, उसके पास कोई सामान नहीं, कुछ उसके पास मीन्स नहीं है, वो सीधे एकदम से चल देगा कि मुझे जाना है, तो चल पैदल ही चल देगा उधर, कितनी दूर है कोई जगह, उसे कोई इस चीज़ की परवाह नहीं। पहले वो उसका बचपन बड़ा अजीब तरह के बड़े कठोर अभावों में उसका बीता था, मतलब शुरू में जब वो पैदा हुआ तो जो माँ थी वो सौतेली माँ थी, मतलब पहली जो अपनी माँ थी उसने जो अपने घर से बच्चे को लेके गई जब उसके पिता ने किसी और लड़के से शादी कर ली, तो वो अपने बच्चे को लेके अपने मायके में गई, मायके में उसके भाभी ने मतलब उसकी फागुदास की मामी ने उसको जान से मारने की कोशिश की, तो उस डर से फिर माँ उसे वापस वहाँ लेके आई तो बाप ने बेटे को छीन लिया अपने पास, और इसके पास से माँ से छीन लिया। उसके बाद वो अपनी सौतेली माँ के पास जाके रहा, जब जहाँ उसने उसके पिता ने शादी की थी, तो इतनी बुरी हालत में उसको रखा कि उसे खाने तक को नहीं मिलता था, यहाँ तक कि फिर वो तंग आके उसने चोरी चकारी शुरू कर दी, अपना पेट भरने के लिए कुछ भी खाने के लिए वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा उठा चुरा लेता था, पर उससे फिर उसकी बदनामी भी साथ साथ होती रही, और लोग उसको दुत्कारते भी रहे, और जैसे तैसे वो अपने वक्त काटता रखो पिटता भी रहा घर में, और बाद में फिर ये हालत हो गई कि किसी झूठे इल्ज़ाम में उसको घर से निकाल दिया गया था, वो कुल 14 वर्ष का था, उस शख्स को घर से निकाल दिया गया कि तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, उसके पिता ने कहा कि इससे अच्छा मेरा बेटा होता ही ना कोई तो अच्छा था, तो उसे निकाल दिया गया। फिर उसके बाद वो घर से जब निकल पड़ा तो उसे कुछ पता नहीं लगा मैं क्या करूं कहां जाऊं, तो बिना टिकट के वो अपना इधर उधर के भटकने लगा, कभी कहां चला गया कभी वहां चला गया, आसाम पहुंच गया, और जगह जगह धक्के खाता रहा। एक आदमी उसे टकराया और वो उसे कहने लगा कि भीख क्यों मांगते हो, भीख मत मांगो, मेरे पास घर आके काम करो, तो वो वहां जाके उसके घर जाके काम करने लगा, उसे इतना खुश हुआ उसके बर्ताव से कि वो कहने लगा कि मैंने उसे अपना धर्म पिता मान लिया। वो उसका मतलब शुरू में तो बड़ा ख्याल रखता था, लेकिन बार बार में समझ गया कि वो भी उसका बुरी तरह शोषण कर रहा है। फिर वो वहाँ से उसके पास से भी निकल के किसी तरह भागा कि यहाँ नहीं रहना है, फिर भटकता रहा इधर उधर, कुछ नहीं उसे समझ में आया। एक स्टेज ऐसी भी आई कि वो बिल्कुल उसे ना कहीं काम मिल रहा था, ना उसे कोई काम देता था, ना उसे कहीं से भीख मिलती थी। एक बार वो 3 दिन तक भूखा रहा, उसे कुछ खाने को नहीं मिला, तो फिर उसने ऊपर वाले की तरफ हाथ उठा के कहा कि मुझे कुछ दे दो, मैं अगर कुछ नहीं दोगे तो अंश है ऐसे कि परमेश्वर हे मालिक, हे दुनिया के मालिक,
जग के बनाने वाले, मैं तुम्हारे पास अर्ज करता हूँ, अगर तुम लोग कोई भी दुनिया का को बनाया है, उसकी भाषा ऐसी होती थी जैसी वो लिखते थे, जैसी सोचते थे, तो मेरा अनाथ को भी अर्ज कर ले, अर्ज ले लेना। मैं दुखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा जीवन पालने के लिए कोई रोजगार दे दो, ताकि मैं जिंदा रहकर तुम्हारा भी नाम ले सकूं। तुम रोजगार नहीं दोगे तो मैं चोरी करूंगा, इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। इसके बाद वो शख्स इसी चक्कर में पड़ गया कि लोगों की जेब काटनी शुरू कर दी। जिस दिन उसने ये संकल्प किया, उसी दिन जाके उसने उस तरह ब्लेड खरीदा कहीं बाजार से, और उसने जेब काटने का धंधा शुरू कर दिया, और खूब जेबें काटी, खूब पैसा कमाता रहा उससे, खूब जेलें भुगती, और जेलें भुगतने की यहाँ तक उसको लत सी पड़ गई, और उसे रस आने लगा जेलों में, जेलों की जिंदगी में, और जेलों की जिंदगी को देख के फिर उसने कमेंट लिखे हैं। वो कह रहा है, जेल एक तरह का ट्रेनिंग कैंप है चोरी चकारी के लिए, वहाँ कंबल बेचे जाते हैं, गुंडागर्दी होती थी, कुछ सरकारी कानून चलता था, तो कुछ कानून वहाँ के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए थे। जेल में जुआ शराब बाल शोषण चलता था, बीड़ी पीने के लिए बच्चे अपनी जिंदगी तबाह कर लेते थे, यदि भी बच्चों के लिए अलग कमरे होते थे, पर भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई बाधा नहीं थी, एक बीड़ी से काम हो जाता था, ये हालत थी। इसके बाद फिर वो वहां जोरहाट जेल में रहे, उस जेल में बड़ा अच्छा अनुशासन था, वहाँ कुछ बच्चे, उनको जो लोग थे उनको पढ़ाने का बहुत अच्छा इंसान था, वहाँ इसने खूब पढ़ाई भी की, और उस दौरान जो उनको पढ़ाने वाले टीचर थे वो उनको मास्टर कहते थे, वो उनको समझाते भी थे, उससे काफ़ी कुछ सीखा इन्होंने, वो इन्हें समझाते थे कि भाई चोरी किसी तरह करना बंद कर दो, कि चोरी तुम मत किया करो, तुम ऐसे बंदे हो कि तुम एक दिन इसको पीटने लगे थे, इसके हाथ छड़ी एक तरफ रख दी और कहा कि तुम मेरी बात सुनो, तुम अगर अच्छी आदमी जो चोरी करना बंद कर दोगे, ऐसे अच्छे आदमी बनोगे कि लोग तुम्हारी तरफ झुकेंगे और तुम ये काम छोड़ दो। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने चोरी करना बंद कर दिया बिल्कुल ही, मतलब जेल कतरने का काम तो छोड़ा ही छोड़ा, बिल्कुल इतने सख्त वो आदर्शवादी बन गए कि कोई अगर इनको कोई गलत बात ना कहेंगे, ना किसी की गलत बात बर्दाश्त करेंगे, और इस हद तक कि कोई बड़े से बड़ा आदमी भी, कोई बड़े से बड़ा अफसर या धर्म गुरु भी इन्हें कहेगा कुछ तो उसे नहीं सुनेंगे, उसको बिल्कुल कहेंगे कि नहीं ये हमसे बर्दाश्त नहीं है, तो उनको गुस्से से छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इनके साथ ये बना रहा कि लगातार कहीं ना कहीं यावरी बहुत ज्यादा छाई रही इनके ऊपर, और ये कहीं भी फकीरों की तरह निकल जाते थे, दिल से बिल्कुल सन्यासी आदमी, किसी चीज से लगाव नहीं है, और खूब इधर उधर भटकना, जहां जहां की गए चलते जाना, और मतलब ऐसे ही जैसे मैंने अब जिक्र किया था कि वो एक बार आसाम में कहीं उनका मन आया कि वो आसाम से गए हुए थे उधर घूमने पिथौरागढ़ की तरफ, वहां से ख्याल आया कि वहां जाएंगे कैलाश मानसरोवर, तो वहीं से चल दिए बिना किसी चीज के, जो कुछ था उनके पास थोड़ा बहुत उसी से अपना चलते गए, जो कुछ रस्ते में अपने से गरीब को देखा तो जो भीख मांगी है वो भी उसको दे दी, इस तरह से अपनी जिंदगी सारी कर ली, पर फिर चोरी चकारी नहीं की, गलत काम कभी नहीं किया, ना गलत काम करता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके लौट आए, और इतने कहीं पर उन्हें खाने को नहीं मिला, तो कई दिन तक बिना उसके बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए सब ऐसे चलते रहे, ठंड से इनके बदन गलने लगा तब भी उसकी परवाह नहीं, और चलते रहे और यात्रा पूरी करके आ गए, और आके फिर थोड़े दिन अपनी जब तक उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई, वहां आने के बाद उनका बदन गलने लगा था वहां सर्दी के मारे, तो आके फिर उन्होंने वहां से
सीधा सोचा कि मैं कश्मीर जाऊंगा। तो वहां से आने के बाद फिर कश्मीर यात्रा शुरू कर दी, और वहां से ना कश्मीर नहीं शिमला जाऊंगा, तो वहां से शिमला पैदल ही चलती है। और पैदल चलते 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 वहां पहुंचे जब, तो पास कोई था नहीं, तो वहां जाके सोचा कि चलो कुछ, इन्होंने ज्योतिष विद्या भी सीख ली हुई थी, तो ये वहां पर बाहर स्टेशन के बाहर बैठ के अपना ज्योतिष का काम शुरू किया। तो इनके पास वो आदशी शीशा और कुतुबनामा वगैरह पड़े रहते थे, तो जो पाकिस्तान, ये तो अपने बाहर घूमने जाने के लिए तो दिशा ज्ञान के लिए रखते थे, कहां क्यों कैसे जाना है, तो वो उनको पाकिस्तानी जासूस समझ लिया उन्होंने, और इनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए और इनकी बहुत धुनाई करी बुरी तरह से। और उसके बाद फिर इनका मतलब ठीक तो मतलब छोड़ तो दिया इन्होंने, क्योंकि बेगुनाह थे, लेकिन इनके ऊपर मतलब इनका बिल्कुल मन जो था खिन हो गया। और फिर ये वहां वापस चले गए, और वहां गए वो अपने गुरु के पास, तो आसाम में वो अपने गुरु के पास गए, तो गुरु ने कहा भी, ये गुरु इनसे बिगड़ गए कि तुम हमारे आचार विचार के अनुसार नहीं चल रहे हो, साधु धर्म का पालन करना चाहिए, तुम साधु बन के रहो। और साधु धर्म पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। विद्रोही फागुदास ने कहा, आप अपनी दीक्षा वापिस लो, ले लीजिए, मैं नास्तिक नहीं नास्तिक हूं। इस तरह का बंदा था वो, इतना वो। और ताज्जुब की बात यह है कि इतना इस तरह का अखंड किस्म का अखंड मिजाज का आदमी दिल में इतना कोमल भाव लिए हुए, इतने विचित्र स्वभाव वाले आदमी के मन में एक लड़की के प्यार का दिया ता जिंदगी की माता का, बिल्कुल उसके एक लड़की को चाहते इतना थे कि उसके लिए हर वक्त उसके बारे में उनके उसको एक बार मिलने की तमन्ना में सारी जिंदगी इधर उधर भटकते रहते ही वो हमें दिख जाए। इस तरह के फागुदास थे। फागुदास ने जिस मनघर भाषा में सोचा, जिसमें वो सोचते रहे, शायद उसी भाषा में उन्होंने अपनी ये डायरिया तैयार की। और जैसा कि भूमिका में लिखा है कि वो बड़ी पुरानी डायरियों में से जैसे जैसे जोड़ तोड़ के इन्होंने उनकी अपने अच्छे तरीके से उसका संपादन कर, इन्होंने एक बड़ी मतलब तरीके से उनको सबको जो कि एक किताब की शक्ल थी और जो कि आपके सामने आई। मैं इनको प्रभात कुमार जी की मेहनत और जिस शिद्दत से फागुदास जी की पुरानी डायरियों को इन्होंने इतने अच्छी तरह से संपादित किया है और किताब की शक्ल दी है, वो सराहनीय तो है ही, साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भी है। ये एक असाधारण किताब बन पड़ी है और इसे सबको पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने के काबिल भी है और इसके ऊपर खूब चर्चाएं भी होनी चाहिए। और मुझे इस किताब को पढ़ के बहुत अच्छा लगा।